मुरादाबाद महानगर में एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान बड़े स्तर पर शुरू कर दिया गया है। मुरादाबाद के पीली कोठी चौराहे से लेकर हरतला तक एक विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जहां पर अपर नगर आयुक्त के साथ SP ट्रैफिक भी मौजूद रहे। इस दौरान सड़कों पर किए गए जरूरत से ज़्यादा अतिक्रमण को हटाने के लिए काम किया गया और जहां पर कई व्यापारियों के विरोध का सामना भी नगर निगम की टीम को भी करना पड़ा। इस दौरान नगर निगम का ये कहना है कि सड़कों पर किए गए जरूरत से ज़्यादा अतिक्रमण को हटाने का काम किया जा रहा है और साथ ही जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है। उद्देश्य यही है कि सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जाए, जिससे यातायात में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। साथ ही उनका ये भी कहना था, यह अभियान अभी आगे तक जारी रहेगा और सभी लोगों से उन्होंने सहयोग की अपील भी की है। मुरादाबाद महानगर में नगर निगम प्रशासन ने शुक्रवार को बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की है। साथ ही अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान व्यापारियों के विरोध का सामना भी नगर निगम के अधिकारियों को करना पड़ा। इसके बावजूद भी नगर निगम की टीम ने अपने अभियान को नहीं रोका और एक बड़े स्तर पर अभियान को चलाया। मुरादाबाद शहर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत पीली कोठी चौराहे से लेकर हरतला पुलिस चौकी तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जहां पर सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने का काम किया गया। इस दौरान अपर नगर आयुक्त के साथ SP ट्रैफिक और नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र काठरोड पर बीते दिन सड़क हादसे में महिला और बच्ची की मौत के बाद से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। सड़क किनारे अतिक्रमण को लेकर नगर निगम द्वारा समय समय पर अभियान चलाया जाता रहा है, मगर कल के हादसे के बाद से नगर निगम प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इसी के तहत शुक्रवार को काठरोड पर नगर निगम का बुलडोजर जमकर गरजा। अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में नगर निगम की टीम द्वारा काठरोड के दोनों साइड स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। नगर निगम की टीम द्वारा चलाए गए इस अभियान से व्यापारियों में हड़कंप मचा रहा। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान नगर निगम की टीम से कई जगह लोगों की नोकझोंक भी सामने आई। अभियान के विषय में जानकारी देते हुए अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने बताया कि अतिक्रमण की समस्या ऐसी समस्या है जिस पर निरंतर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। उसी कड़ी में आज पीली कोठी चौराहे से PAC तिराहा होते हुए काठरोड तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। सड़क के दोनों साइड जितने भी स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण कर रखे हैं उनको हटाया जा रहा है। उनके सामान की जब्तीकरण की जा रही है, पेनल्टी लगाई जा रही है और ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है। इससे पहले कल चेतावनी भी दी गई थी कि अतिक्रमण ना करें, जिससे जन सामान्य को चलने में असुविधा हो, दुर्घटना हो। कल भी दुर्घटना हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस दुर्घटना में बहुत नुकसान हुआ जान माल को। उसको रोकने के लिए जितना हम कर पा रहे हैं कर रहे हैं। पब्लिक से अपील है कि अपने सामान को अंदर रखें, सड़क या पटरी पर घेर कर ना रखें, जिससे लोगों को असुविधा ना हो। यह अभियान जन सामान्य की सुविधा के लिए यातायात की व्यवस्था को सुगम बनाने के क्रम में चलाया जा रहा है। अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने सिटी चैनल से बात करते हुए कहा कि आज पीली कोठी चौराहे से हरतला पुलिस चौकी तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा, जहां सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के साथ साथ जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। उद्देश्य यही है कि यातायात सुचारू रूप से चल सके और सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जाए। ये अभियान पीली कोठी चौराहे से लेकर के हरतला तक का है। ये जन सामान्य की सुविधा के लिए है, यातायात बाधित होता है। ऐसे अतिक्रमणकर्ता जिन्होंने अभियान के दौरान अतिक्रमण कर रखा है, स्थायी अस्थायी उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आज पीली कोठी से हरतला तक का अभियान चलेगा। जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है, जुर्माना वसूल किया जा रहा है, सामान जब्तीकरण किया जा रहा है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। उनको इसमें संबंधित पुलिस चौकी की भी जिम्मेदारी बनाएंगे कि संबंधित पुलिस भी इसको देखती रहे कि भविष्य में इस तरह का अपकोण ना हो। अभी आगे तक कर रहे हैं, आगे फिर दोबारा से आपको बता देंगे। देखिए, ये सामान्यतः पब्लिक की सुविधा के लिए है, यातायात सुगमता के लिए है। उसको अतिक्रमण ना करें, अपने सामान को दुकान के अंदर रखें, बाहर ना आने दें, पक्का अतिक्रमण ना करें, जिससे यातायात बाधित हो, दुर्घटनाएं हो, उसको रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान SP ट्रैफिक अशोक कुमार ने सभी से सहयोग की अपील की और कहा कि सड़कों पर जरूरत से ज्यादा अतिक्रमण किए गए हैं, जिसके चलते आज अतिक्रमण हटाओ अभियान नगर निगम की टीम के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। ये जो टेम्पररी या परमानेंट अतिक्रमण जो यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उसको देखते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है ताकि यातायात को सुगम बनाया जा सके। ये पूरा सिटी का है, अभी तो इस रोड को हमने चूज़ किया है, इसके बाद अन्य रोड को भी बारे में देखा जाएगा।